इधर जैसे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं वाक्य रचना से, वाक्य किसे कहते हैं? तो बताया जाता है बाबू कि कर्ता क्रिया कर्म यदि व्यवस्थित क्रम से, कैसा है व्यवस्थित क्रम से है मतलब क्रम से, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं वाक्य। पूछेगा कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो वाक्य कितना होता है, तो पहला होता है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना। फिर पूछेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, आठ। रचना के आधार पर कितने हैं, तीन। कितने, तीन। अब आठ में से आपको छह पता है, दो ही हमको बताना है। अब छह कैसे पता है समझिए। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विधि वाचक, या इसी को बोलते हैं विधान वाचक, या इसी को बोलते हैं साधारण वाक्य, क्या बोलते हैं, साधारण। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है बाबू उसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। अगला होता है संकेतवाचक वाक्य। अगला होता है नकारात्मक वाक्य, कैसा वाक्य, हाँ। और अगला होता है विस्म्यादि बोधक वाक्य, विस्म्यादि बोधक वाक्य या आश्चर्यचकित वाक्य। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह और कितना, सात, और सबसे लास्ट में एक और आता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्मयादि, नकारात्मक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और ठीक है भाववाचक। भाववाचक इसमें नहीं होता, ठीक है। आज्ञा सूचक लिखे हैं, हाँ चलिए। प्रश्नवाचक, आज्ञा, इच्छा, संकेत, नकारात्मक, विस्मयादि, चलिए आ जाएगा तो हम बता देंगे। इधर देखिए विधिवाचक या विधानवाचक, साधारण साधारण वाचक वाक्य क्या होता है, एकदम नॉर्मल, जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी कूदती है, ऐसे ही एकदम नॉर्मल, समझ में गया, एकदम नॉर्मल चला, ठीक है। कितना सुंदर, ठीक है, यह घर है, यह कलम है, यह कॉपी है, राम से हम पढ़ रहे हैं, ये एकदम साधारण हो गया। प्रश्नवाचक में क्या होगा कि डायरेक्ट क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, वह क्यों लिखता है। आज्ञा सूचक में क्या होगा बाबू कि किसी को आज्ञा दिया जाएगा, ठीक है, यह काम कर दो, यह काम कर दो, यहां चले जाओ, इसे पढ़ो, इसे लिखो, इसे याद करो, ये आज्ञा में आएगा। इच्छावाचक में क्या होगा बाबू कि कोई आदमी किसी के लिए कुछ कहेगा, जैसे बोल देगा सूखा जा, मोटा जा, हो गया खूब बोल होकर, खूब छोट होकर, कल्याण हो के बाबू, तो ये सब क्या है, इच्छावाचक। संकेतवाचक क्या होता है कि एक वाक्य दूसर का वाक्य पर क्या होगा, निर्भर रहेगा। जैसे हम बोल दें कि आप लोग पढ़ लेंगे तो शादी हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगा, ना होगा बाबू, ना हो तो कुल मिला के शादी के पर निर्भर है, नौकरी पर, पढ़ाई लिखाई पर, तो संकेत में होगा। जैसे परीक्षा में पूछेगा ना कि पिछले वर्ष वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल किस पर निर्भर, वर्षा, यदि आप लोग परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास होना किस पर निर्भर है, परिश्रम पर, इसी को संकेत बोलते हैं। नकारात्मक में क्या होगा तो वह नहीं पढ़ता, वह नहीं लिखता है। विस्म्यादि बोधक में क्या होता है बाबू, सीधी सी बात, कहेगा कि वह वह कितना सुंदर दृश्य है, समझ में गया, आश्चर्यचकित टाइप की बात होगा, वो यही होता है हम लोग के, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो नीचे नोट कर लीजिएगा, लिखवा देते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, पहला होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये तीनों का तीनों एग्जाम में बदलने के लिए देता है और वह एग्जाम में पहचानने के लिए देता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। यदि आप जानेंगे तभी बदल पाएंगे और बता पाएंगे,
नहीं जानेंगे तो आप पता होता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा नीचे जो भी था नीचे लिखेंगे, बोले लिखेंगे वाक्य। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा दूसरा रचना के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, रचना के नीचे लिखेंगे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार हैं, आठ प्रकार हैं। पहला विधि, विधि या विधानवाचक वाक्य, विधि या विधानवाचक वाक्य, विधि या विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अगला संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अगला नकारात्मक वाक्य, अगला विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। और आठवां एक बचा था संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। सही रहा। अब हम आपको वाक्य बोलेंगे, आप उसके सामने लिखेंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। बोले ना, लिखेंगे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। क्या होगा? इच्छा वाचक वाक्य। अगला मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। ऐसा साधारण या विधिवाचक वाक्य। सही रहा। अगला यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, अवश्य सफल होगे। कैसा वाक्य? संकेतवाचक वाक्य। अगला शायद वह कल आए, शायद वह कल आए। कैसा वाचक? संदेहवाचक वाक्य। अगला तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। क्या होगा? प्रश्नवाचक। अगला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या होगा? आज्ञावाचक। अगला राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया। क्या होगा? अगला सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। बताइए। हाँ
नहीं, जैसे कोई कह रहा है तो उसका इच्छा न है, आंसर होगा इच्छा वाचक वाक्य। पापा बोले कि बेटा हमेशा सच बोले, तो उनका इच्छा न बा तो आश्चर्यचकित बना। अगला लिखेंगे, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, क्या होगा? संकेत वाचक। अगला, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर मकान है, क्या होगा? बिस्म्यादि, क्या होगा? बिस्म्यादि। अगला लिखेंगे, राम घर जाओ, राम घर जाओ, क्या होगा? आज्ञावाचक। ठीक है, ऊपर देखिए फैन चल रहा होगा। अगला बोले लिखेंगे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, क्या होगा? इच्छा वाचक। अगला, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, क्या होगा? आज्ञावाचक। अगला, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, हम अवश्य आते, हम अवश्य आते। कोई दिक्कत? कैसा वाचक? संकेत वाचक। अगला लिखेंगे, राम घर जाओ, राम घर जाओ,